दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे चैनल की क्यू एंड ए वीडियो आने वाली हैं, तो फाइनली आज हमारे चैनल की क्यू एंड ए वीडियो आ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो चलिए इस क्यू एंड ए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आता है मिस्टर स्टूपिड की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई आप कहाँ रहते हो? तो भाई मैं हूँ भिलवाड़ा, राजस्थान से। फिर अगला सवाल आता है राजू राज का। वो बोलते हैं, योर लैपटॉप एंड माइक। तो भाई मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास एक पुराना कंप्यूटर है जिसकी रैम भी सिर्फ 2GB है। इसमें सिर्फ मैं ऑडासिटी से रिकॉर्डिंग करता हूँ और एडिट करता हूँ। मेरा बाकी वीडियो एडिटिंग का काम मोबाइल के अंदर ही होता है। और रही बात माइक की, तो वो है मेरे पास बोया का BY-M1। अगला सवाल आता है ऑल इन वन की तरफ से। वो बोलते हैं, फेस कैम रिवील कब करोगे? तो भाई मैं फेस कैम कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल आता है स्टेटस वीडियो की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई आप फेसकैम वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? तो भाई मेरे पास कोई अच्छा सा सेटअप नहीं है, इसलिए मैं फेसकैम वीडियोस नहीं बनाता हूं। और अगर आगे कभी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फेसकैम वीडियो भी देखने को मिलेगी। अगला सवाल आता है वायरल खबरी की तरफ से। वो बोलते हैं, आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया? तो भाई मुझे यूट्यूब पर आए हुए आज से करीब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगला सवाल आता है लेट्स इन का। भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, पर कोई नहीं देखता, क्या करूँ? तो भाई यूट्यूब का एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आपके कंटेंट में दम है तो 3-4 महीने तक रेगुलर वीडियोस डालिए, आपकी एक ना एक वीडियो जरूर वायरल हो जाएगी। अगला सवाल आता है प्रिंस रामगरिया की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई हु इंस्पायर यू ए लॉट एंड व्हाट्स योर फुल नेम? तो भाई मैं जब भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो संदीप माहेश्वरी सर और एबी वायरल की वीडियोस देखता हूँ। और इसके अलावा मुझे डीनो जेम्स के आई एम लूजर और अनस्टॉपेबल गाने भी काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अगला सवाल आता है व्हाट्सएप स्टेटस की तरफ से। वो बोलते हैं, सर आपकी एज कितनी है, प्लीज टेल मी? तो भाई मेरी एज है 21 साल। अगला सवाल आता है सोनू कुमार की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई यूट्यूब पर स्टार सब्सक्राइबर्स ग्रो होने में कितना टाइम लगता है? तो भाई मैंने जैसा कि बताया था कि आपको 3-4 महीने तक रेगुलर वीडियोस डालनी है, उसमें आपकी एक ना एक वीडियो जरूर वायरल हो जाएगी। अगला सवाल है ऋषि बोर्डे का। वो बोलते हैं, स्लोली स्लोली सॉन्ग रिलीज कब होगा? तो भाई गुरु रंधावा के स्लोली स्लोली सॉन्ग के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। अगला सवाल है इट्स एजे का। वो बोलते हैं, भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि योयो हनी सिंह का दूसरा सॉन्ग कब तक आएगा? तो भाई योयो हनी सिंह के अगले सॉन्ग के बारे में अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है और फेक वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने योयो हनी सिंह के अगले सॉन्ग के बारे में अब तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगला सवाल है जेडी गेमर का। वो बोलते हैं, तेरी कोई जीएफ है या नहीं? मुझे लगता है नहीं है, आपका क्या कहना है? तो भाई तुमको लगता है नहीं है तो बस नहीं है। अगला सवाल है अपना बिहार की तरफ से। वो बोलते हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो? तो भाई मेरा नाम जय गुजर है और मैं राजस्थान से हूँ। अगला सवाल है आनंद गेमिंग की तरफ से। वो पूछते हैं, पढ़ाई करते हो? तो हाँ भाई मैं पढ़ाई करता हूँ। अगला सवाल है मिस्टर विक्रम पालीवाल की तरफ से। वो पूछते हैं, भाई जी आप यूट्यूब के अलावा और क्या करते हो, प्लीज रिप्लाई? तो भाई मैं यूट्यूब के अलावा पढ़ाई करता हूँ। अगला सवाल है सेफुल्ला CR7 की तरफ से। वो बोलते हैं, व्हाई यू चूज द फाइनल फेक नेम ऑफ योर चैनल? तो भाई मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो मेरे दिमाग में यही था कि इस चैनल पर फेक्ट और मिस्टीरियस वीडियोस डालनी है, लेकिन आप लोगों को सिंगर्स के अपडेट्स ज्यादा अच्छे लगे तो मैंने फिर वही करना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे फेक्ट एंड मिस्टीरियस वीडियोस डालनी चाहिए या नहीं। अगला सवाल भी इन्हीं का है। ये पूछते हैं, विदाउट यूट्यूब व्हाट इज योर जॉब? तो भाई यूट्यूब के अलावा मैं पढ़ाई करता हूँ बस। अगला सवाल है सोनू कुमार की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई आपको यूट्यूब खोलने का आइडिया कहाँ से आया और आप मंथली कितना कमा लेते हो, सही बताना? तो भाई मुझे YouTube खोलने का आइडिया धर्मेंद्र सर की वीडियोस देखने के बाद आया, जो कि माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल को चलाते हैं और मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। अगला सवाल आता है सलोनी अवस्कर का। वो बोलते हैं, ब्रो स्लोली स्लोली कब आ रहा है? तो यार स्लोली स्लोली सॉन्ग के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। अगला सवाल आता है व्हाट्सएप सॉन्ग स्टेटस की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई टी सीरीज के सपोर्ट पर एक वीडियो बनाओ, आज गे बहुत कम है 50,000। तो भाई मैंने टी सीरीज के सपोर्ट में वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर अभी चेक कर सकते हो। फिर अगला सवाल आता है अरुण कुमार की तरफ से। वो बोलते हैं, भाई आपका मुझे नंबर लेना है, कैसे लूं, कहां से? तो यार नंबर लेके क्या करोगे? अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, ये है मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम। अगला सवाल आता है संदीप दास की तरफ से। वो बोलते हैं, योयो का कोई न्यू अपडेट बताओ यार। तो यार योयो हनी सिंह के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। अगला सवाल है मिलोन MD की तरफ से। वो पूछते हैं, तुम्हारा जीएफ कितना है? तो भाई इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ।
तो इस वीडियो में ये थे आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब। अगर किसी का कमेंट छूट गया हो तो सॉरी यार, अगली वीडियो में जरूर पिक करूंगा और आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखेगा। अगर आपने द फाइनल फैक्ट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।